आज के युग में यह धारणा है कि शिव एक योगी पुरुष है जो कैलाश में निवास करते हैं, परंतु गुरुदेव के अनुसार लोग जिसे शिव चिन्हित करते हैं वे इस कल्प के सदाशिव कल्प स्वरूप हैं, जिन्हें हम महेश्वर अर्थात महा ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। शिव तो वास्तव में परम तत्व हैं, वही इस सृष्टि के मूल हैं। परमेश्वर के सकल कल्प स्वरूपों को एक योगी के वेश में ही चित्रित किया जाता रहा है, परंतु आपके मन में यह प्रश्न उठ सकती है, आखिर क्यों? क्यों परमेश्वर को एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है? क्यों उन्हें सोने चांदी के आभूषण से विपरीत भस्म सर्प एवं रुद्राक्ष माला से सुसज्जित दिखाया जाता है? क्यों वह वस्त्र के रूप में बाघ की खाल पहनते हैं? क्यों समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल वही धारण करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। सृष्टि के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है निराकार तत्व, जिसे शिव अथवा परम तत्व भी कहा जाता है। दूसरा है कृति तत्व, जिसे शक्ति अथवा क्रिया तत्व भी कहा जाता है। निराकार को उलट दो तो शक्ति एवं शक्ति को उलट दो तो निराकार। वास्तव में शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अतः शिव एवं कृति से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। कृति के प्रभाव से ही निराकार ने आकार धारण किया है। निराकार पुरुष है एवं कृति है नारी। पुरुष एवं नारी से ही सृष्टि का सृजन पालन एवं विनाश होता है। तो हम पुनः उस प्रश्न पे आते हैं, महादेव को योगी के वेश में ही चित्रित क्यों किया जाता है? अच्छा, तो आप सभी मुझे यह बताएं कि एक बालक क्यों पढ़ाई करता है, क्यों वह विद्या अर्जित करता है? माता पिता अपने बालक को स्कूल क्यों भेजते हैं? इसका मूल उत्तर है, एक बालक जब भी जन्म लेता है उसे एक नारी से ही उत्पन्न होना पड़ता है। पुरुष निराकार है एवं वह निर्गुण होते हैं। वह तो एक शांत योगी है, परंतु उसे कर्म में बांधता है नारी रूपी माया शक्ति। जन्म से पूर्व माता से ही उसे शक्ति प्राप्त होता है। एक ब्रह्म बीज से वह एक नवीन देह धारण करता है। जन्म के उपरांत माता के दूध में मिलाया हुआ ममता की माया उसे इस सृष्टि के निकट लाता है। माता के द्वारा दिए गए ज्ञान से वह अपने आप को एवं इस संसार को समझता है। इसके उपरांत वह अपना अर्थ अर्थात समाज में एक मूल्यवान व्यक्ति बनने के लिए विद्यालय जाता है। वह अधिक से अधिक ज्ञान संचय कर इस समाज में अपना एक मूल्य निर्धारित करता है। वह बालक जितना ज्ञान संचय करेगा उतना ही अर्थ उसे समाज प्रदान करेगा, और इसी अर्थ को मुद्रा के रूप में समाज ने निर्धारित किया है। समाज में इन्हें ही सफल पुरुष कहा जाता है। वह जितना सफल होगा उसे उतनी ही रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त होगी, और जितनी अच्छी पत्नी होगी उतना ही रूपवान एवं गुणी इनके संतान होंगे, एवं यही चक्र घूमता रहेगा। अतः पुरुष कार्य नहीं करते। वास्तव में पुरुषों में शक्ति नहीं होती है, परंतु उसे शक्ति को धारण करना पड़ता है। उसके प्रेरणा में स्थित माया रूपी नारी की शक्ति ही उससे कार्य करवाता है, अन्यथा वह एक योगी के भांति शांत एवं एकांत में रहना पसंद करता है। यही वास्तव में एक पुरुष की पहचान है, और इसीलिए हम परम पुरुष परमेश्वर के सकल स्वरूपों को एक योगी के रूप में चित्रित किया हुआ देखते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्यों उन्हें सोने चांदी के आभूषण से विपरीत भस्म सर्प एवं रुद्राक्ष माला से सुसज्जित दिखाया जाता है? इन्हें सोना चांदी के आभूषण में कोई मोह नहीं। इसका कारण यह है कि वही जनक हैं इस संपूर्ण सृष्टि के, और उन्हें पता है कि सोना चांदी हीरे मोती माणिक्य सभी केवल भस्म के ढेर हैं। आज सृष्टि में जो कुछ भी है वह उन्हीं से है, परंतु अंत में काल रूपी सर्प अपने प्रलय रूपी विष से सब कुछ नष्ट कर देगा। संपूर्ण सृष्टि के सभी तत्व भस्म हो जाएंगे एवं उनके निराकार स्वरूप में यह संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाएगा। अतः जब सोना चांदी का उत्स्य उन्हीं से हुआ हो तो उन्हें आभूषण धारण करने की क्या आवश्यकता है? तीसरा प्रश्न यह था कि
क्यों वह वस्त्र के रूप में बाघ की खाल पहनते हैं? बाघ शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए आप शक्ति के वाहन के रूप में बाघ को देखते हैं। अतः निराकार सदाशिव माया रूपी शक्ति का वस्त्र पहनते हैं, जैसे शिव रूपी आत्मा एक जीव देह धारण करता है। अतः शिव ही परम तत्व है, वही नर है, वही नारायण, वह देवता भी है और दानव भी, वही मनुष्य भी है और पशु भी, वही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, परंतु शिव कोई रूप में सीमित नहीं। निराकारी सदाशिव के अनेक रूप है, परंतु वह निराकार अरूप तत्व हैं। और अंतिम प्रश्न था, क्यों समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल को महेश्वर पान करते हैं? जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिससे विष उत्पन्न हुआ और अमृत भी, क्या उस पर विष का कोई प्रभाव पड़ सकता है? पुराण एवं अन्य कथाएं केवल रचनात्मक मिथक बन गए हैं, जहां भिन्न मतों ने अपने अनुसार परमेश्वर को रूप दिया है। हम यह नहीं कहते कि वह गलत हैं। गुरुदेव के अनुसार हमें सभी मतों का आदर करना चाहिए, क्योंकि सभी के मन में ईश्वर एक भिन्न रूप में विराज करते हैं और इस रूप को इष्ट कहते हैं। आपके इष्ट ही उस निराकारी परमेश्वर का सगुण रूप है, जिसे जानना एवं प्राप्त करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। पिछले भाग में हमने निराकारी सदाशिव के तीन कल्प स्वरूप को जाना था, और आज के इस भाग में हम और तीन कल्प स्वरूप को जानेंगे। शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शक वृंदों से अनुरोध करेंगे, आप सभी मेरे साथ कहें, एको देवो बहुधा निविष्ट अजायमानो बहुधा विजायते। यह श्लोक मैं पुनः कहता हूँ, एको देवो बहुधा निविष्ट अजायमानो बहुधा विजायते। इसका अर्थ है, संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही ईश्वर है, जो विभिन्न रूपों में स्वयं प्रकट हुआ है। वह खुद अजन्मा है, निराकार है, परंतु इस सृष्टि में उन्होंने विभिन्न रूप धारण किया है। और कमेंट पर लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए महादेव का नाम लेकर आज की यह प्रस्तुति हम शुरू करते हैं। सदाशिव का चौथा स्वरूप है अग्नि। हाँ, आपने ठीक ही सुना है, ऋग्वेद के सर्वप्रमुख देवताओं में से एक अग्नि ही है। अग्नि का अर्थ केवल अग्नि नहीं है, मूल रूप से अग्नि का अर्थ है जो सबसे पहले आया है। वेदों में इंद्र एवं सोम के साथ साथ अग्नि अर्थात अग्नि प्रमुख स्वरूपों में से एक है। विशेष रूप से वैदिक संहिता के अंतर्गत ब्राह्मणम के श्रुतियों में अग्नि को एक प्रमुख देवता के रूप में दर्शाया गया है, परंतु वेदों के गंभीर अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि अग्नि समेत वायु, सोम, रुद्र, वरुण एवं मित्र के स्वरूप और उनके सकल प्रवृत्तियां एक समान प्रतीत होती है। और यह भी देखने वाली बात है कि वेद तो एक ही ईश्वर का मार्ग दिखाता है और परब्रह्म एक ही है, ऐसा बार बार वेदों में बताया गया है। तो क्या वेद उस निराकारी परब्रह्म को भिन्न नामों से संबोधित कर रहा है? गुरुवाणी अनुसार तपोजा कल्प में सत्यनारायण के नाभि से उत्पन्न हुए महाब्रह्मा और योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के नासिकाओं से दो राक्षसों का जन्म भी हुआ। इन राक्षसों का नाम थारुष एवं तुष्ट। महाब्रह्मा अपने इस आकस्मात आविर्भाव से अभी स्थिर भी नहीं हुए थे कि वे दुष्ट राक्षस महाब्रह्मा को भोजन बनाने के उद्देश्य से अग्रसर हुए। राक्षसों से बचने के लिए महाब्रह्मा ने परमेश्वर का आवाहन किया। तभी अचानक महाब्रह्मा ने एक उज्जवल ज्योति देखी, एक विशाल अग्नि शिखा जो सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी था। महाब्रह्मा उस दिव्य ज्योति को प्रणाम कर उनसे शरण मांगा और उनके इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव ने उस कल्प का पूर्ण स्वरूप धरा। उन्होंने अपने रौद्र तेजाग्नि से उन दो राक्षसों का संहार कर महाब्रह्मा को सृष्टि का दायित्व दिया।
उनके इस दिव्य स्वरूप को देखकर महाब्रह्मा जान गए कि वही उस निराकार परमेश्वर के कल्प स्वरूप हैं। अतः महाब्रह्मा ने उस निराकारी परब्रह्म के इस दिव्य स्वरूप को अग्नेय के नाम से संबोधित किया। महाब्रह्मा ने उनसे जिज्ञासा की, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है? तभी इस दिव्य स्वरूप के बाएं अंग से उत्पन्न हुई आदि शक्ति स्वरूपा, जिन्हें महाब्रह्मा ने स्वाहा के नाम से संबोधित किया, शिव शक्ति के मिलाप से जन्म हुआ पीतवर्ण चार यशस्वी कुमारों का, वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे आनंद, सुनंद, अभिनंद और ज्ञानंद। इन ऋषि कुमारों के ज्ञान एवं मार्गदर्शन से महाब्रह्मा ने उस कल्प में सृष्टि का आरंभ किया। अग्नेय का स्वरूप। गुरुदेव के अनुसार वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से अधिक जटिल है, अतः पूर्ण रूप से इसे समझने वाले ज्ञानी महात्मा प्राप्त करना अपने आप में अति जटिल कार्य है। गुरुवाणी अनुसार अग्नेय अर्थात अग्नि परम शिव तत्व है। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई भी वैदिक यज्ञ शिव स्तुति के बिना नहीं किया जाता है। प्रत्येक वैदिक यज्ञ में प्रथम आहुति परमेश्वर शिव को ही समर्पित किया जाता है। अनेक ज्ञानी गुणी व्यक्ति इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, परंतु सत्य यही है कि अग्नेय अर्थात अग्नि ही उस निराकारी शिव तत्व का स्वरूप है, जिसे वेद परमेश्वर एवं ओंकार के नाम से संबोधित करता है। ऋग्वेद में इन्हें कभी कभी रुद्र के रूप में पहचाना जाता है। अग्नेय के तीन सिर हैं, जो उनके तीन प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाती है, सूर्य, विद्युत एवं अग्नि। उनका रंग लाल वर्णित किया गया है और उनके वाहन के रूप में मेढ़ा को चित्रित किया जाता है। उनके केश एवं नयन स्वर्ण वर्ण हैं। वेदों में उनके मुकुट को ज्वाला की लपटों की आकृति में वर्णित किया गया है। उन्हें चार भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। वे अपने चार भुजाओं में कुल्हाड़ी, मशाल, रुद्राक्ष की माला एवं एक ज्वलनशील भाला धारण किए हुए दर्शाए गए हैं। उनके शरीर से प्रकाश की सात किरणें निकलती हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम सप्तजिह्वा है, अर्थात जिसके पास सात जीभ हैं। देवी स्वाहा अग्नेय की पत्नी हैं। किसी भी वैदिक समारोहों के दौरान अग्नि कुंड में डाले गए घी एवं अन्य सभी आहुतियों के साथ देवी स्वाहा का नाम उच्चारण किया जाता है। आग्नेय पुराण में उनकी एक पुत्री का वर्णन भी किया गया है, जिसका नाम आग्नेय है। अग्नेय की प्रवृत्ति। पुराणों के अनुसार अग्नेय की उत्पत्ति, स्वरूप एवं प्रवृत्ति के बारे में विभिन्न विवरण दिए गए हैं। ये सभी किंवदंतियां एक दूसरे से अलग वर्णन करती हैं। एक ओर उन्हें द्यौस और पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, वहीं एक अन्य संस्करण कहता है कि वे ब्रह्मदेव के पुत्र है, जिसका नाम अभिमानी है। एक अन्य स्रोत अनुसार उन्हें कश्यप और अदिति के संतानों में गिना जाता है, और इसलिए अग्नेय को आदित्यों में से एक माना जाता है। नवीनतम लेखों में उन्हें अंगिरस के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु हम इस प्रस्तुति में पुराणों के असमानताओं को नहीं, केवल वैदिक संस्कृति के सत्य को उजागर करने की चेष्टा कर रहे हैं। सदाशिव के अति उग्र स्वरूप अग्नेय अर्थात अग्नि को माना जाता है। वेदों में उन्हें एक शक्तिशाली स्वरूप में दिखाया गया है। कभी कभी सर पे जटा एवं बड़े दाढ़ी के साथ उन्हें चित्रित किया जाता है, और किसी किसी क्षेत्र में एक बड़े पेट के साथ उन्हें चित्रित किया गया है, क्योंकि वह अपनी लपटों से कोई भी भौतिक वस्तु को निगल सकते हैं। यज्ञ आहुति में दिए गए समस्त सामग्री वे अपने साथ मुंह से निगल लेते हैं। इनके रौद्र तेज से ही सूर्य दीप्तमान रहता है। वैसे तो अग्नेय सदाशिव के प्रचंड स्वरूप हैं, परंतु सामाजिक जीवों के लिए वे एक वरदान हैं। इस सृष्टि में वे ही समस्त शक्ति के स्रोत हैं। इनके इस उग्र स्वरूप के कारण ही इन्हें वेद एवं पुराणों में रुद्र कोटि के श्रेणी में वर्णित किया गया है। अग्नेय की पूजा विधि एवं मंत्र। अग्नेय सदाशिव के परम पूज्य कल्प स्वरूपों में से एक हैं, जो सभी प्रकार की अशुद्धियों को नष्ट करते हैं। सदाशिव के इस अग्नेय स्वरूप की पूजा करने से उपासक की सभी नकारात्मकता एवं अशुद्धियां नष्ट हो जाती है।
जिससे वह इस जीवन के समस्त दुखों एवं परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। अग्नि को प्रसन्न करने से अन्य सभी पूजा अनुष्ठान या समारोहों के लाभ बढ़ जाते हैं जो भविष्य में उपासक द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि उन सभी अनुष्ठानों में भी अग्नि ही सभी यज्ञों की आहुतियाँ को उनके संबंधित देवताओं तक ले जाएंगे। अग्नि पूजा अर्थात अग्नि पूजा आज केवल हवनों में सीमित हो चुका है, परंतु आज भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अग्नि को परमेश्वर के स्वरूप मानते हैं। ज़ोरास्ट्रियन अर्थात पारसी समुदाय इनमें से एक हैं, जो आज भी अग्नि को परमेश्वर स्वरूप मानते हैं। अग्नि मंत्र। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने इदं नमः। इस मंत्र को पुनः सुने। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने इदं नमः। यदि कोई मनुष्य हमेशा अपने नकारात्मक प्रवृत्तियों से अथवा अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण से पीड़ित हो, तो इन्हें माघ मास में अग्नि व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत विधि अनुसार माघ मास के पूर्णिमा के संध्या काल में अग्नि मंत्र को 1001 बार जप करते हुए भक्तों को अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र अर्थात अग्नि को समर्पण करना। इस विधि में यज्ञ द्वारा दूध, दही, घी, मधु, फल, कंदमूल, धान तथा अन्य आहुतियों को परमेश्वर स्वरूप अग्नि को समर्पण किया जाता है। यह परंपरा वैदिक काल में नियमित किया जाता था। सभी ब्राह्मण गण ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करते हुए अंगिरा पूर्णिमा में अग्निहोत्र अनुष्ठान करते थे। वेद अनुसार सभी मनुष्यों को अपने जीवन में अंततः एक बार अग्निहोत्र करना चाहिए। सदाशिव का पांचवा स्वरूप है भैरव। भैरव शब्द की उत्पत्ति भीरु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भयानक। इन्हें भय का नाश करने वाले या भय से परे रहने वाले के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो भैरव का शाब्दिक अर्थ है अति भयानक एवं उग्र स्वरूप, परंतु दूसरी ओर भैरव में भय शब्द को सृजन, रक को पालन एवं व को विनाश से जोड़ा जाता है। अतः भैरव वह है जो जीवन के तीन चरणों का सृजन, पालन एवं विनाश करता है, इसलिए वह परम या सर्वोच्च माने जाते हैं। त्रिक मान्यता में भैरव सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परब्रह्म का पर्याय है। गुरुवाणी अनुसार पूर्व्य कल्प में हिरण्यगर्भ से आविर्भाव हुआ सत्यनारायण का और योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए पंचमुखी महाब्रह्मा। इस कल्प में महाब्रह्मा का रंग लाल था, इसीलिए इन्हें रक्तविरिंची के नाम से जाना जाता था। इस कल्प में उनके 5 मस्तक थे। सत्यनारायण अपने योग निद्रा से जागे और सत्यनारायण ने महाब्रह्मा से पूछा, कृपया यह बताएं इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता कौन है। अहंकार से महाब्रह्मा ने सत्यनारायण को कहा, क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च निर्माता हूँ। हे मूर्ख, हे अज्ञानी, मेरी पूजा कर, क्योंकि मैं ही जनक हूँ इस सृष्टि का। तभी एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ और उस ज्योति से प्रकट हुए कल्प स्वरूप निराकारी सदाशिव। इनके इस भयंकर स्वरूप को देख महाब्रह्मा भयभीत हो गए। भैरव प्रकट होते ही महाब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया और उन्होंने महाब्रह्मा से कहा, हे धूर्त, यह तेरा मस्तक नहीं बल्कि तेरा अभिमान है, जिसे मैंने आज काट कर फेंक दिया है। अभिमान अधर्म का बीज है और जो भी इस बीज को अपने मस्तक में पालेगा, उसे मैं स्वयं काल रूप धर के काट दूंगा। मैं स्वयं काल रूप में इस कल्प के पूर्व भी था और आने वाले सभी कल्पों में रहूंगा, और जब भी अधर्म अपना मस्तक उठाएगा, मैं उसके मस्तकों को ऐसे ही काटते रहूंगा। मैं सृष्टि, काल और प्रलय से परे हूँ। महाब्रह्मा का सिर काल भैरव के हाथों में देख महाब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और वे प्रबुद्ध हो गए। महाब्रह्मा तभी उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम कर उनसे शरण मांगा और तभी उन्होंने महाब्रह्मा को सृष्टि का दायित्व दिया। उनके इस दिव्य स्वरूप को देखकर महाब्रह्मा जान गए कि वही उस निराकार परमेश्वर के कल्प स्वरूप हैं। अतः महाब्रह्मा ने उस निराकारी परब्रह्म के इस दिव्य स्वरूप को महाकाल भैरव के नाम से संबोधित किया।
महाब्रह्मा ने उनसे जिज्ञासा की कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। तभी इस दिव्य स्वरूप के बाएं अंग से उत्पन्न हुई आदि शक्ति स्वरूपा, जिन्हें महाब्रह्मा ने भैरवी के नाम से संबोधित किया, शिव शक्ति के मिलाप से जन्म हुआ रक्तवर्ण चार यशस्वी कुमारों का, वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के ही स्वरूप थे। उनके नाम थे ऋत, वृत्त, अभिवृत्त और सुवृत्त। इन ऋषि कुमारों के ज्ञान एवं मार्गदर्शन से महाब्रह्मा ने उस कल्प में सृष्टि का आरंभ किया। भैरव का स्वरूप। गुरुवाणी अनुसार महाकाल भैरव का वर्ण लाल है। पुराणों में भैरव को नागों से अलंकृत स्वरूप में दर्शाया गया है। कुंडल, कड़ा, हार एवं जनेऊ के रूप में वे सर्प को धारण करते हैं। वे बाघ की खाल एवं हड्डियों से बना वस्त्र पहनते हैं और उनके वाहन के रूप में एक श्वान को चित्रित किया जाता है। इन्हें चतुर्भुज स्वरूप में चित्रित किया जाता है और वे अपने हाथों में त्रिशूल, खटवांग, खड्ग एवं डमरू जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र श्वान, उभरे हुए दांत, भयावह स्वरूप एवं गले में लाल पुष्पों की माला उनके इस कल्प स्वरूप को एक भयावह रूप देते हैं। भैरव की पत्नी है आदि शक्ति दुर्गा, जिन्हें देवी भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव के 8 स्वरूप हैं, जैसे असितान भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव एवं सहार भैरव। इन्हें क्षेत्रपाल, भयाभियो, भीरतात्मन, रक्तपाया, दंडधारा एवं महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व कल्प में देवताओं और राक्षसों के बीच महायुद्ध हुआ था। राक्षसों का नाश करने के लिए भैरव और भैरवी ने मिलकर अष्ट भैरव और अष्ट मातृकाओं की रचना की। ये अष्ट भैरव और अष्ट मातृका शिव और शक्ति के भयानक रूप थे। इन अष्ट भैरवों और अष्ट मातृकाओं से 64 योग भैरों एवं 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। हम निकट भविष्य में इस विषय पर एक विशेष एपिसोड बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सहयोग करते रहें। आप हमारे वेदविक के पैट्रियन भी बन सकते हैं और हमें आने वाले प्रस्तुतियों के लिए सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे आने वाले प्रस्तुतियों की झलक भी देख सकते हैं। भैरव की प्रवृत्ति। भय भी जिससे भयभीत हो जाए वो है भैरव। यह सदाशिव का प्रचंड रुद्रादि कल्प स्वरूप है। जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना था, रुद्रादि का अर्थ है जिनके तेज प्रभा का कोई आदि या अंत नहीं। भैरव 8 प्रमुख दिशाओं के संरक्षक भी हैं। निराकारी सदाशिव इस स्वरूप में अति उग्र स्वभाव के हैं। मनुष्यों के मन में पलने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियां एवं उन प्रवृत्तियों के प्रभाव से मनुष्यों द्वारा किए गए पाप एवं अधर्म को महाकाल भैरव नाश करते हैं। अधर्मी एवं पापी काल के मार से बचे भी तो महाकाल भैरव के वार से बच नहीं सकता, परंतु अति उग्र स्वरूप होते हुए भी वे अपने भक्तों के लिए अति दयालु रहते हैं। प्रेम भाव से जो भी भक्त पौष मास से लेकर माघ मास तक अष्ट सोमवार का व्रत करता है, उसे वे मन चाहा वरदान देते हैं। अष्ट सोमवार का व्रत 8 भैरव के लिए 8 भिन्न विधि से किया जाता है। 8 भैरवों में से प्रत्येक दिखने में अलग हैं। उनके पास अलग अलग अस्त्र शस्त्र रहता है, सबके अलग अलग वाहन हैं और वे अपने भक्तों को 8 प्रकार के धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जिसकी प्रतिनिधित्व करती है अष्ट लक्ष्मी। भैरव की पूजा चेतना की सार्वभौमिक और पारलौकिक अवस्था में प्रवेश करने के मार्ग खोलती है। इन्हें वेद एवं पुराणों में रुद्र कोटि के श्रेणी में वर्णित किया गया है। भैरव की पूजा विधि एवं मंत्र। वह अपने भक्तों को लोभ, अहंकार, वासना, काम, क्रोध एवं भयानक शत्रुओं से बचाता है। यह समस्त शत्रु भयंकर होते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों को कभी भी अपने अंतर के ईश्वर को पहचानने नहीं देती है और आजीवन मनुष्यों को पाप एवं अधर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इनकी भक्ति से यह समस्त शत्रु जलकर भस्म हो जाते हैं और मनुष्य को सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्त होती है। महाकाल भैरव ग्रह राज शनि देव के गुरु हैं।
जो व्यक्ति सदाशिव के महाकाल भैरव स्वरूप की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी भी चोट नहीं पहुंचाते हैं और उनके साढ़े साथी एवं उसके प्रकोप से मुक्त कर देते हैं। भैरव मंत्र ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र को पुनः सुने ओम काल भैरवाय नमः। यदि कोई मनुष्य लोभ अहंकार वासना काम क्रोध एवं भयानक शत्रुओं से पीड़ित हो तो उन्हें अष्ट सोमवार भैरव व्रत का पालन करना चाहिए। इन्हें पौष मास में इस व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत विधि अनुसार पौष मास के पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। हालांकि यह व्रत पौष मास के पहले सोमवार पर आरंभ करने से अति शुभ होता है, परंतु पौष से आरंभ कर सभी मासों में यह शिव व्रत किया जा सकता है। व्रत विधि अनुसार सोमवार के रात्रि में शिवलिंग पे चंदन युक्त जलार्घ अर्पण करें। 64 बिल्वपत्र के साथ गुड़हल के पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। वरन मुद्रा से शिवलिंग के ललाट पे लाल चंदन का लेप लगाएं। भैरव मंत्र पढ़े एवं शिवलिंग पे 64 बार चंदन युक्त बिल्वपुष्प अर्पण करें। बिल्वपुष्पांजलि देने के साथ साथ भोग में नारियल खीरा एवं 21 केले लगाएं। इसके साथ साथ अन्य मिष्ठान्न एवं अन्न भी भोग में लगाएं। भोग अर्पण करने के उपरांत आप इस मंत्र का जप करें। अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरव नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि। इस मंत्र को पुनः सुने अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरव नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि। इसके उपरांत केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करें। यह व्रत विवाहित महिलाएं भी पालन कर सकती हैं। इसके फल स्वरूप उन्हें एवं उनके स्वामी को आरोग्यता दीर्घायु धन समृद्धि एवं सुख प्राप्त होता है। समस्त शत्रुओं का नाश होता है एवं अष्ट लक्ष्मी की कृपा से उनके संसार में दुख एवं अभाव नहीं रहता है। आज के इस भाग के अंतिम स्वरूप को जानने से पहले हम एक विनती करना चाहते हैं। इस प्रस्तुति को संपूर्ण करने के लिए हमें जो प्रेम एवं आर्थिक सहायता आपसे प्राप्त हुआ है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कृपया हमें ऐसे ही सहायता करते रहें। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आया हो तो कृपया हमें आने वाले प्रस्तुतियों के लिए सहायता प्रदान करें। आपके छोटे से छोटा अनुदान भी हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार को और भी दृढ़ एवं समर्थ बना रहा है। आप हमें अपना अनुदान स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड से भेज सकते हैं अथवा आप हमें UPI के माध्यम से भी अनुदान भेज सकते हैं। हमारा UPI है vedvik@sbi। इसके अलावा आप हमारे Patreon भी बन सकते हैं और वेदविक के अनुसंधान एवं आने वाले प्रस्तुतियों के कार्यों को आप निकट से समझ सकते हैं। हमारे सभी पैट्रियन के लिए हम गुप्त ज्ञान के कुछ प्रस्तुतियां लाने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ इस कार्य में जुड़ना चाहें तो आप भी पैट्रियन के सदस्य बने एवं वेदविक परिवार को और आगे बढ़ाएं। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब चलते हैं आज के अंतिम स्वरूप को जानने। सदाशिव का छठवां स्वरूप है ईशान। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूताना ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो। अर्थात परमेश्वर कल्प स्वरूप ईशान समस्त ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के जनक हैं। वे सभी जीवों के पालन एवं नियंत्रण करता निराकार ब्रह्म सदाशिव स्वरूप हैं। वे 8 विद्येश्वरों के मार्गदर्शक एवं निर्देशन प्राधिकारी हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य सभी देवताओं को निर्देशित करते हैं। वे स्वयं को इस शिवलिंग में प्रकट करें और ऐसी सौम्य उपस्थिति से मुझ में परम पवित्रता एवं शुभता उत्पन्न हो। इसके साथ साथ ईशान का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी मध्यान्दीना संहिता में भी मिलता है। पुराण अनुसार परब्रह्म स्वरूप ईशान दुष्टों पर अंकुश लगाते हैं एवं बुद्धिमान मनुष्यों को ज्ञान और धन प्रदान करते हैं। गुरुवाणी अनुसार
विश्वरूप कल्प में हिरण्यगर्भ से आविर्भाव हुआ सत्यनारायण का और योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के नाभि से उत्पन्न हुए महाब्रह्मा। इस कल्प में महाब्रह्मा का रंग श्वेत था, इसीलिए इन्हें श्वेताब्जय के नाम से जाना जाता था। अपने उद्देश्य को जानने के लिए महाब्रह्मा उत्सुक थे, परंतु सत्यनारायण अपने योग निद्रा में लीन थे, इसीलिए महाब्रह्मा ने अपना ध्यान केंद्रित कर अपने अंतर मन से प्रश्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, जिसके कारण मेरा आविर्भाव हुआ है, कृपया मुझे मेरा परिचय प्रदान करें। अचानक एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ और उस ज्योति से प्रकट हुए कल्प स्वरूप निराकारी सदाशिव, इनके इस सौम्य स्वरूप को देख महाब्रह्मा ने उनसे शरण मांगा। महाब्रह्मा के भक्ति से संतुष्ट होकर उन्होंने महाब्रह्मा को सृष्टि का दायित्व दिया। उनके इस दिव्य स्वरूप को देखकर महाब्रह्मा जान गए कि वही उस निराकार परमेश्वर के कल्प स्वरूप हैं। अतः महाब्रह्मा ने उनके इस दिव्य स्वरूप को ईशान के नाम से संबोधित किया। महाब्रह्मा ने उनसे जिज्ञासा की, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है? तभी इस दिव्य स्वरूप के बाएं अंग से उत्पन्न हुई आदि शक्ति स्वरूपा, जिन्हें महाब्रह्मा ने ईशानी के नाम से संबोधित किया, शिव शक्ति के मिलाप से जन्म हुआ श्वेतवर्ण चार यशस्वी कुमारों का, वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के ही स्वरूप थे। उनके नाम थे जतिन, मुंदीन, शिखादिन और अर्धमुंडा। इन ऋषि कुमारों के ज्ञान एवं मार्गदर्शन से महाब्रह्मा ने उस कल्प में सृष्टि का आरंभ किया। ईशान का स्वरूप। संस्कृत में ईशान नाम का अर्थ स्वामी या शक्ति का स्वामी होता है, इसलिए ईशान नाम उनके असाधारण ज्ञान एवं शक्ति को दर्शाता है। वे सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हैं। उन्हें ज्ञान, दिशा और विचार की स्पष्टता के लिए पूजा जाता है। गुरुवाणी अनुसार ईशान का वर्ण श्वेत है। त्रिनेत्रधारी यह स्वरूप अति सौम्य वर्णित किया गया है। वे बाघ की खाल एवं श्वेत वस्त्र पहनते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र आभूषित जटामकुट रहता है। इन्हें चतुर्भुज स्वरूप में चित्रित किया जाता है। आगे के दो हाथों से वे वीणा धारण करते हैं और अन्य हाथ वर मुद्रा एवं त्रिशूल धारण किए हुए रहता है। ईशान की सहधर्मिणी हैं ईशानी, जिन्हें देवी विश्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। अनेक मतों ने देवी विश्वरूपा को देवी सरस्वती का कल्प स्वरूप माना है, परंतु शत्रुद्र संहिता की व्याख्या में ब्रह्म शक्ति आविर्भाव का उल्लेख भिन्न रूप से किया गया है। आदि शक्ति का आविर्भाव निराकार से ही होता है। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्म शक्ति महाब्रह्मा की अर्धांगिनी है और आदि शक्ति विश्वरूपा निराकार कल्प स्वरूप ईशान की अर्धांगिनी है। वेद अनुसार ईशान को अष्ट मूर्तियों में से एक माना जाता है। भव शर्वो रुद्र पशुपतीर्थोग्रह सहमहान तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिर्पि प्रियायास्मैधाम्ने प्रणेहितन्मस्योऽस्मि भवते। अर्थात भव, शर्वा, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान ये परम शक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप हैं। वैदिक शास्त्रों के प्रत्येक श्रुति व्यक्तिगत रूप से इनको ही व्याख्या करती है। उस प्रिय धाम को मेरा नमस्कार है जो इन नामों को धारण करता है। ईशान की प्रवृत्ति। यह सदाशिव का अति सौम्य कल्प स्वरूप है। ईशान सर्वोच्च शासक और बुद्धि का साक्षी है। वह अव्यक्त ब्रह्मांड हैं और सर्वोच्च हैं। वही देवताओं की दिव्यता हैं, वे ही शांति हैं और शांति से परे हैं। वे सभी स्वरों के श्रोता हैं, वे ही ओंकार हैं। वे पंचब्रह्म स्वरूप में पांच कार्यों का कारण हैं। वह प्रलय के समय इन पंचब्रह्मों को अपने में समाहित करते हैं और अपनी माया शक्ति द्वारा रचित सृष्टि के सभी तत्वों को अपने में समाहित करने के बाद भी अपने निराकार स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। वे काल से परे हैं। वे ही अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को निर्देशित करते हैं। वेदों के अनुसार इन्हें सौम्य कोटि के श्रेणी में वर्णित किया गया है। ईशान की पूजा विधि एवं मंत्र।
ईशान ज्ञान एवं बुद्धि प्रदान करते हैं। वे ही परब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए वे अपने भक्तों को ज्ञान एवं बुद्धि के साथ साथ सिद्धि, सुख एवं धन समृद्धि भी प्रदान करते हैं। सर्वोच्च स्तर की चेतना अर्थात ब्रह्म ज्ञान चाहने वालों को और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्यों को ईशान की पूजा करनी चाहिए। ईशान मंत्र। ओम ईशानाय नमो नमः। इस मंत्र को पुनः सुने। ओम ईशानाय नमो नमः। परब्रह्म स्वरूप ईशान की पूजा दुख, बाधा, अज्ञानता, वास्तु दोष, नवग्रह दोष एवं पारिवारिक और मानसिक अशांति को दूर करने हेतु किया जाता है। व्रत विधि अनुसार भाद्र मास के कृष्ण द्वादशी में इस व्रत को करना चाहिए। भाद्र मास के कृष्ण द्वादशी के प्रातःकाल में शिवलिंग पे चंदन युक्त जलार्घ अर्पण करें। 8 बिल्वपत्र के साथ श्वेत धतूरा के पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। वरन मुद्रा से शिवलिंग के ललाट पे श्वेत चंदन का लेप लगाएं। ईशान मंत्र पढ़े एवं शिवलिंग पे 8 बार चंदन युक्त बिल्वपुष्प अर्पण करें। बिल्वपुष्पांजलि देने के साथ साथ भोग में आम, अंगूर, खीरा, गन्ना एवं 11 केले लगाएं। इसके साथ साथ अन्य मिष्ठान्न एवं अन्न भी भोग में लगाएं। भोग अर्पण करने के उपरांत आप इस मंत्र का जप करें। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूताना ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो। इस मंत्र को पुनः सुने। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूताना ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो। इसके उपरांत केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करें। यह व्रत विवाहित महिलाएं भी पालन कर सकती हैं। इसके फल स्वरूप उन्हें ज्ञानी एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्तुति को सुनने एवं देखने वाले वेदविक के समस्त दर्शकों को परतत्व परमेश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, कलह, क्लेश एवं कष्ट दूर हो। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अपने अगले प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।